Success usually come to those who are too busy to be looking for it. Welcome students, welcome to Learning Curve. Learn today for better tomorrow. आप कर रहे सी इंग्लिश दी वोकैब दा डी अल्फाबैट अपना चल रहा है, ठीक है। लास्ट ते तुहानूं एक वर्ड दिता सी करो करन दे लई, ते ओ अपना वर्ड सी डोंटलेस जिहड़ा वर्ड सी, ठीक है। सारे ने आंसर बहुत वधिया दिता, पर फिर भी आप एक बारी इस वर्ड नूं करवा दिए। डोंट दा मतलब हुंदा फ्राइटन, डराना, ठीक है। पर डोंटलेस का मीनिंग की हुंदा है कि जिहड़ा परसन डरदा नहीं है, ठीक है। जिहड़ा परसन नीडर हुंदा है, बोल्ड हुंदा है, ठीक है। जिहड़ा नीडर हुंदा है, बिल्कुल डरदा नहीं है, उनका मीनिंग की है डोंटलेस। ओके, चार ऑप्शन तुहानूं दिते सी, ठीक है। चार ऑप्शनस तुहानूं दिते सी, फियरलैस, करेजियस, fearless, courageous, brave and scared dauntless bold meaning है इदा, ठीक है। तो आप याद करन लई आप इन्हों सेंटेंस बनाने होने हमेशा। if daunt is less then you are dauntless, मतलब कहते जो डर घट होवे तां तुसीं dauntless बन जाते हो, ठीक है। डर घट होवे तां तुसीं dauntless बन जाते हो। हुण देखो fearless मतलब जिहड़ा डरदा नहीं है, courageous जिहड़ा brave हुंदा है, courage हुंदा उहदे च बहादुर हुंदा है, brave दा मतलब भी, ठीक है, dauntless वांगू ही रिलेट कर रहा है। तो नैक्सट अपना scared मतलब जो बहुत जल्दी डर जाता है, ठीक है। तो फिर एदा आंसर सी scared। ओके स्टूडेंट्स, तो आ तीन की सी सिनोनिम, तो आ जिहड़ा सीगा एदा की सी एंटोनिम। तो मैं तुहानूं एक वर्ड पहला करवाया सी डोंट, उहदा मतलब की हुंदा है फ्राइटन, मतलब जिहड़ा डर जाता है छेती, ठीक है। क्लीयर है? चलते हैं अपने नैक्सट वर्ड से। तो नैक्सट अपना वर्ड है डर्थ। नैक्सट वर्ड की है डर्थ। नैक्सट वर्ड है डर्थ। ओके, चार ऑप्शन तुहानूं आन गया, ठीक है। डर्थ दे विच चार ऑप्शन है डेफिशिएंसी, लैक ऑफ समथिंग, शॉर्टेज, स्कार्सिटी एंड द लास्ट ऑप्शन इज अबंडेंस, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज अबंडेंस। दसो डर्थ दा मीनिंग की है, तो यदा एंटोनिम केड़ा आएगा, ठीक है। यदा एंटोनिम की होएगा? डर्थ का मीनिंग हुंदा है लैक ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ की कमी होना। डर्थ का मीनिंग की हुंदा है लैक ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ की कमी होना, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी चीज़ की कमी होना उसनूं की किया जाता है डर्थ, ठीक है। लैक ऑफ। ओके, हुण आपां इहनूं याद किवें करना है? ये डर्थ अपना अर्थ की तरह साउंड कर रहा है। तुसी वेखो जिहड़ा डर्थ है वो किहदे साउंड कर रहा है? अर्थ की तरह साउंड कर रहा है, ठीक है। तो आपां इहनूं याद करन लई सेंटेंस बना देंगे। अर्थ इज़ बिग बट नाउ देयर इज़ लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कहंदा अर्थ बहुत वड्डी है, पर पानी भी इतने बहुत है, बट ड्रिंकिंग वाटर की इतनी हूँ कमी हो चुकी है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। पोल्यूटिड हो चुका है मोस्टली पानी, ठीक है। बहुत ही घट अमाउंट में ड्रिंकिंग वाटर रह चुके है ना। फिर डर्थ का मीनिंग की है कमी। इतों ही तुहानूं याद आ जाएगा कि अर्थ के उत्ते पानी की कमी सी, ते डर्थ का मीनिंग भी की होंदा लैक ऑफ, मतलब किसी चीज़ की कमी होना। देखो स्टूडेंट्स, पांच ऑप्शनस तुहानूं आईयां ने। फर्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी भी दा मतलब भी की होंदा है मतलब कमी होना, ठीक है, किसी चीज़ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की कमी होना शरीर दे विच, ठीक है। नैक्सट लैक ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की कमी, ठीक है। नैक्सट है शॉर्टेज मतलब कोई चीज़ शॉर्ट पै जाना, घट हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है। नैक्सट है स्कारसिटी का मतलब भी की होंगे, अकाल पै जाना, मतलब कमी पै जाना किसी चीज़ की। तो नैक्सट है अबंडेंस मतलब कोई भी चीज़ अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच होना, ठीक है। आ चार की हो गए दे सिनोनिम, तो आ जिहड़ा इहदा की हो गया एंटनम। क्लीयर है स्टूडेंट्स, एंटनम ते सिनोनिम डर्थ दे, ठीक है। चलते हैं नैक्सट ते नैक्सट अपना वर्ड है डिबॉस्ड तो ये जिहड़ा वर्ड है एग्जाम दे विच आया होया काफ़ी बार, ठीक है। नैक्सट अपना वर्ड है डिबॉस्ड, ठीक है। डिबॉच दे चार ऑप्शन तुहानू एग्जाम दे विच आने है। फर्स्ट है डिबेस्ड, डीमोरलाइज्ड, ठीक है, डीमोरलाइज्ड, अनप्रिंसिपल्ड, ते एथिकल, ओके। डिबॉच द मीनिंग की होंदा है, डिबॉच का मीनिंग होता है वन हू इज़ गिवन टू एल्कोहल, ठीक है, वन हू इज़ गिवन टू एल्कोहल। वन हू इज़ गिवन टू एल्कोहल या फिर आप करैक्टरलैस भी कह सकते हो, ओके। डिबॉच मतलब बेकार, बिल्कुल, ठीक है। हम देखो डिबॉच आप याद किवें करना है। डिबॉच जेड़ा वर्ड है वो किस तरीके ना साउंड कर रहा है, डी प्लस बंच, ठीक है। डिबॉच जेड़ा है डी प्लस बंच दे नाल तरीके नाल साउंड कर रहा है। देखो स्टूडेंट डी प्लस बंच, डी नूं आपां की ले लांगे द, ठीक है, और बंच मतलब होंदा है झुंड किसी चीज़ का, ठीक है। सेंटेंस बनावांगे इफ़ यू क्रिएट अ बंच टू डू रोंग then you will called debauched। कहंदा तुसी झुंड इकट्ठा कर लोगे, बंच मतलब होंदा झुंड, मतलब काफ़ी जानिया दा झुंड इकट्ठा कर लोगे किसी गलत काम नूं करने, रोंग चीज़ नूं करन वास्ते, दैन तुहानूं डिबॉच्ड किया जाता है, ठीक है। डिबॉच्ड तुहानूं की किया जाएगा, डिबॉच्ड किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, डिबॉच्ड मतलब डीमोरलाइज पर्सन, करैक्टरलैस, ओके। फर्स्ट ऑप्शन है डिबेस्ड का मतलब होंदा है बिल्कुल लो बेस से, डीबेस्ड मतलब लो बेस से, मतलब इंसान जड़ा की है डीमोरलाइज है। डीमोरलाइज का मीनिंग भी सेम ही है इनके वांगू डिबॉच्ड की तरह। नैक्सट है अनप्रिंसिपल्ड, जिंदे कोई इंसान, जिंदे कोई असूल नहीं है, प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अनप्रिंसिपल्ड है। नैक्सट है एथिकल मतलब होंदा है एथिक्स विच रहन वाला, ठीक है, जड़ा एथिक्स विच रहंदा है, ठीक है, मर्यादा दे विच रहंदा है, ठीक है। आ फिर पहले तीन की हो गए दे सिनोनिम ते आ की हो गया इहदा एंटोनिम, ओके स्टूडेंट। क्लीयर है डिबॉच्ड, है ना, सौखे है ना, नोट्स बनाई चलना नाल नाल। नैक्सट है डेबिलिटेट, नैक्सट है डेबिलिटेट। हुन चार ऑप्शन आएंगे डेबिलिटेट, ठीक है, चार ऑप्शन ने। सॉफ्टन, फर्स्ट है सॉफ्टन, नेक्स्ट है वीकन। ऑप्शन एलिमिनेट करके मैनू आंसर दो छेती। क्रिपल ते नेक्स्ट है स्ट्रेंथन। जे तुहानूं इहदा मीनिंग नहीं भी पता ना तां भी तुसीं आंसर कढ सकदे हो इहदा, ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखावां। मान लो मैनूं डेबिलिटेट दा मीनिंग नहीं पता, देखो सॉफ्टन, कोई भी चीज़ जिहड़ी सॉफ्ट होएगी, ठीक है, इहदा मीनिंग तां हैगा सॉफ्ट मतलब, ठीक है। नैक्सट है वीकन मतलब कोई चीज़ जिहड़ी कमज़ोर होएगी। तो नैक्सट है क्रिपल दा मतलब होंदा है अपंग होना, मतलब किसी चीज़ जिहड़ी छेती टुट जाती है, क्रिपल उहनूं की जांदा है, क्रिपल किया जांदा है, उहनूं की किया जांदा है क्रिपल। नैक्सट है स्ट्रेंथन, ठीक है। देखो सॉफ्टन मतलब सॉफ्ट चीज़ छेती टूट जाएगी, वीकन मैंने वीक चीज़ छेती टूट जाएगी, क्रिपल मतलब जी चीज़ छेती टूट जाती है कमज़ोर चीज़ भी। तो नैक्सट है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब होंगे मजबूत। आही ऑप्शन है जोड़ा टिक करना है, भावें उनका पूछा हो एंटनम भावें पूछा हो सिननम, ठीक है। ऑप्शन एलिमीनेट करके तुसीं आंसर दे दिता। हुण आपां मीनिंग करते हैं, डेबिलिटेट का मीनिंग की होंदा, ठीक है। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब की होंदा है वीक, ठीक है। डेबिलिटेट का मीनिंग की होंदा है वीक, मतलब किसी भी चीज़ का कमज़ोर होना, वीकन। ओके, हुण जिहड़ा डेबिलिटेट दे विच ड डी प्लस एबिलिटी आ रहा है ना, आ रहा है ना, डेबिलिटेट दे विच एबिलिटी वर्ड आ रहा है ना किते साउंड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हुण आपां याद करांगे, इफ ए परसन हैज़ नो एबिलिटी टू टैकल विद प्रॉब्लम्स ही विल बी कॉल्ड डेबिलिटेट। कोई भी परसन जिहदे विच एबिलिटी नहीं हैगी किसी भी प्रॉब्लम नूं टैकल कर पावे, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम नूं फेस कर पावे, तो उन्होंने आपां की कहांगे वीकन, वीक इंसान है वो, डेबिलिटेट किया जाएगा उन्होंने। स्टूडेंट्स क्लीयर है? चलो नैक्सट वर्ड ते चलते हैं, तुसीं नीचे देख लो। देखो वही सेम है, सॉफ्टन, वीकन, क्रिपल, ये तीनों इनके की हो गए सिनोनिम, ते आ लास्ट इहदा की हो गया एंटोनिम। इज दैट क्लीयर, है ना? चलो नैक्सट तुसी नोट करो, नैक्सट अपना वर्ड है डेबोनियर। एग्जामिनर दा फेवरेट वर्ड है डेबोनियर, हर एग्जाम दे विच ही पा दिंदे, ठीक है। ऑलमोस्ट काफ़ी एग्जाम दे विच आया होया जिहड़ा वर्ड है डेबोनियर। चार ऑप्शन आंदियां ने, कदी कहंदे ने इहदा सिनोनिम फाइंड आउट करो तो कदी एंटोनिम, ठीक है। डेबोनियर चार ऑप्शन ने, चार्मिंग, एलिगेंट। देखो जोड़ा मैं तुहानूं हुणे मैटर सिखाया है, ऑप्शन एलिमीनेट करके आंसर देना, तुसीं मैनूं एलिमीनेट करके आंसर दो छेती छेती। चीयरफुल ते सोरोफुल, ठीक है, जल्दी। डेबोनियर दा मीनिंग की हुंदा है? डेबोनियर दा मीनिंग हुंदा है फ्रेंडली होना, ठीक है। डेबोनियर दा मीनिंग की हुंदा है? फ्रेंडली होना, फ्रेंडली। ओके, हम याद करना है, याद करने वास्ते आप हमेशा की करते हैं, जोड़े वर्ड्स नू तोड़ देने, हमेशा की करते हैं वर्ड्स नू तोड़ देने, ठीक है। डेबोनियर, डेबोनियर मतलब देव ऑन एयर, हाई चीज़ आ रही है ना वर्ड दे विच, डी ई बी नू आप देव लिख लिया, ऑन एयर आ रहा है ये, ठीक है। वर्ड नू मैं की कर लिया, तोड़ लिया है, ठीक है। हुण आप इहदे ते सेंटेंस बनावांगे, गॉड लिव्स ऑन अर्थ एंड बिहेव फ्रेंडली विद ह्यूमन्स, ठीक है। देव नू गॉड भी कहा जाता है ना, देव, देव देवतियां नू गॉड कहते हैं ना, तो मैं इत्थे गॉड लिखा, तुसीं देव भी लिख सकते हो। गॉड लाइव्स ऑन अर्थ एंड बिहेव फ्रेंडली विद ह्यूमन्स, कहता जोड़ा परमात्मा है वो धरती ते ही रहिंदा है ते ह्यूमन्स दे नाल फ्रेंडली रहिंदा है। हुण मीनिंग पता लग गया, डेबोनियर दा मीनिंग की है? फ्रेंडली। डेबोनियर दा मीनिंग की है? फ्रेंडली, ठीक है। हुण देखो चार ऑप्शन ने, चार्मिंग, एलिगेंट, चेयरफुल, सोरोफुल। चार्मिंग मतलब जोड़ा हमेशा चार्म दे विच रहिंदा है, ठीक है, खुश रहिंदा है, ठीक है, मतलब फ्रेंडली। ओके, नैक्सट है एलिगेंट, एलिगेंट मतलब भी की होंदा है? फ्रेंडली। नैक्सट है चीयरफुल, चीयरफुल हैप्पी इंसान, दूसरे दे नाल हमेशा हैप्पी रहंदा, फ्रेंडली नेचर दा होना, है ना, ठीक है, तो फिर ये भी सेम रिलेट कर रहे हैं। नैक्सट है सोरोफुल, सोरोफुल मतलब सारा दिन दुख भरी दास्तां, है ना, सोरो, ठीक है, मतलब हमेशा दुखी इंसान, ठीक है, फ्रेंडली ना होना, तो फिर एदा की हो गया एंटोनिम, थिया की हो गया एदा सिनोनिम। इज़ दैट क्लीयर? हो गया डेबोनियर वर्ड पूरा क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड से, नेक्स्ट वर्ड है अपना डेब्यूट। डेब्यूट, डेब्यूट, चार ऑप्शन आनिया ने, ठीक है। चार ऑप्शन दे विच फर्स्ट ऑप्शन है प्रीमियर, प्रीमियर, ठीक है। नेक्स्ट है बिगिनिंग, एंड नेक्स्ट है क्लोजर, ते लास्ट है स्टार्ट या फिर ओपनिंग, स्टार्ट या फिर ओपनिंग, ओके। डेब्यूट, ठीक है, डेब्यूट। डेब्यूट जिहड़ा हुंदा है, जिहड़ा उहदा मीनिंग हुंदा है समथिंग परफॉर्म फॉर फर्स्ट टाइम, कोई भी चीज़ जिहड़ी पहली बार परफॉर्म की जा रही होवे, ठीक है। समथिंग परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कोई भी चीज़ जिहड़ी पहली बार परफॉर्म की जावे उहनूं की किया जाता है, डेब्यूट। की किया जाता है, डेब्यूट। ओके स्टूडेंट्स, समथिंग परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, जिहड़ी भी चीज़ पहली बार परफॉर्म की जावे। हुण डेब्यूट है, डेब्यूट मतलब डेब्यूट मूवी, ठीक है। कोई भी एक्टर लै लो, उनकी मूवी लै लो, तो सेंटेंस बना लो लाइक चलो डेब्यूट मूवी, ठीक है, मतलब पहली बार जी मूवी आई होवे, ठीक है। अक्षय कुमार की जी पहली मूवी सी, अक्षय कुमार डेब्यूट मूवी वॉज केड़ी सी, सौगंध, ठीक है, सौगंध, ठीक है। याद हो गया, डेब्यूट मूवी फर्स्ट मूवी जी पहली बार किसी की पहली मूवी आई होवे, ठीक है। हम वैसे डेब्यूट का मीनिंग होंगे कि जी भी चीज़ पहली बार परफॉर्म की जा रही हो। हम तुम देखा होगा लर्निंग कर्व वाले, मतलब साड़ी जो वीडियोज़ आदि ने नीचे प्रीमियर लिखा होंगे, जो पहली बार मतलब लाइव क्लास जो चल रही होंगी उदो लिखा होंगे ना प्रीमियर, है ना, प्रीमियर, तो फिर मतलब पहली बार जी चीज़ परफॉर्म हो रही होवे, ठीक है। पर जो टाइम अप हो जाता उस तो बाद वीडियो दोबारा देखते हो, उत्थे प्रीमियर नहीं लिखा आता, है ना, क्योंकि वो पहला भी शो हो चुकी है, ठीक है। नैक्सट है बिगिनिंग, मतलब कोई भी चीज़ शुरुआत दे विच, शुरुआत विच मतलब हजे शुरुआत ही हुई है, मतलब डेब्यूट ही हुई है ना। नैक्सट है क्लोजर, किसी भी चीज़ दी बंद हो जाना, किसी भी चीज़ का, ये ना वर्ड रिलेट नहीं कर रहा। नैक्सट है स्टार्ट या ओपनिंग, किसी भी चीज़ की ओपनिंग होना, यदा मीनिंग डेब्यूट मतलब फर्स्ट टाइम वो चीज़ परफॉर्म होएगी, ठीक है। आ ते आ तीनों चीज़ की ने सिनोनिम, ते आ जिहड़ा अपना क्लोजर की है इहदा एंटोनिम, क्लीयर है डेब्यूट वर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नैक्सट ते चलते हैं अपना, तो नैक्सट अपना वर्ड है डिसेंसी, नैक्सट अपना वर्ड है डिसेंसी, चलिए नैक्सट वर्ड ते तुसी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो बाद विच नोट्स बना लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिसेंसी, ठीक है। हुण डिसेंसी चलो छड्डो, पहला ऑप्शन दे दिए, ठीक है। फर्स्ट है रिस्पेक्टेबल, रेप्यूटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है पोलाइट, नेक्स्ट है इमोरल, इमोरल, ठीक है। डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है गुड या फिर मोरल बिहेवियर, ठीक है, गुड बिहेवियर किसी भी इंसान का, ठीक है, उन्होंने की किया जाता है डिसेंसी, गुड एंड मोरल बिहेवियर। और ओके, गुड एंड मोरल बिहेवियर, ओके। हुण इहनूं याद किवें करना है, डिसेंसी, डिसेंट मतलब जिहड़ा डिसेंट परसन हुंदा है ना, डिसेंट परसन इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेबल एंड पोलाइटेबल एंड पोलाइट। कोई भी परसन जिहड़ा डिसेंट हुंदा है वो रिस्पेक्टेबल ते पोलाइट हुंदा है हमेशा, ठीक है, दूसरियां दे नाल। ओके स्टूडेंट्स, क्लीयर है, पता लग गया डिसेंसी का मीनिंग की हुंदा है, गुड एंड मोरल बिहेवियर। हुण चार ऑप्शन एग्जाम दे विच आईयां ने, चारों ऑप्शनस करनियां किद्दां ने, ठीक है। फर्स्ट है रिस्पेक्टेबल, कोई भी इंसान जिहड़ा रिस्पेक्टेबल होएगा और डिसेंट होएगा, ठीक है। ये रिलेट कर रहा। नैक्सट रेप्यूटेबल, रैप्यूटेशन जी होएगी ठीक है अपने सोसाइटी दे विच ठीक है, वो भी की होएगा गुड एंड मोरल बिहेवियर वाला होएगा। नैक्सट पोलाइट, कोई भी इंसान जो नम्र बिहेवियर वाला बिल्कुल बिल्कुल प्यार नाल गल करता है ठीक है विनम्रता दे नाल, उन्होंने की किया जाता है डिसेंट ठीक है। आ तीनों की हो गए सिनोनिम। नैक्सट इमोरल, मतलब वो मोरल है ही नहीं, मोरैलिटी है ही नहीं ठीक है, उन्होंने की किया जाता है फिर एदा की हो गया ये एंटोनिम। ओके स्टूडेंट्स क्लीयर है, डिसेंसी वर्ड गुड एंड मोरल बिहेवियर, एक एक वर्ड बड़े प्यार नाल कराया जा रहा है इतने बड़े ध्यान नाल ठीक है, नाल उहदे एंटोनिम कराए जा रहे हैं, नाल उहदे सिनोनिम कराए जाते हैं, मीनिंग कराया जा रहा है, नाल उहदी ट्रिक कराई जा रही है। स्टूडेंट्स जिन्ने भी वर्ड्स अप्रॉक्स 200 to 250 वर्ड्स कवर हो चुके ने इस प्लेटफॉर्म पे ठीक है, 250 वर्ड्स आप कवर कर लेने ठीक है। तो स्टडी ऑन कमांड हो गए 250 वर्ड, आई थिंक कि कोई भी वर्ड तुहाडे सामने आंदा होएगा तो ट्रिक माइंड दे विच आ जांदी होएगी, पर ये सिर्फ उहदे ही माइंड जांदी होएगी जिन्हें सारियां वीडियोज़ देखिया ने प्लस सारियां दे नोट्स बनाए ने ठीक है। स्टूडेंट्स जिन्होंने सारियां वीडियोज़ देखिया तो सब दे नोट्स बनाए ने, एंटोनिम सिनोनिम सब दे नाल लिखे ने वर्ड्स दे ठीक है। तो तुसीं ऐदां ही याद करने इन्हां नूं ठीक है, बस थोड़ी जी हमेशा जो भी आप कोई एग्जाम आना या फिर कभी थोड़ी बहुत रीडिंग लई तो नाल ही वर्ड क्लीयर है ठीक है। चलो नैक्सट आप वर्ड पर चलते हैं, नैक्सट अपना वर्ड है डेसीमेट। नेक्स्ट अपना वर्ड है डेसीमेट। ओके चार ऑप्शन आएंगे, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय, शैटर ते लास्ट वन इज मैनुफैक्चर। आज मैं तुहानूं एक और एक मैथड सिखाया कि ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर किवें देना है ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं। डेसीमेट, सब तो पहला अपना वर्ड है डेसीमेट। डेसीमेट का मीनिंग होता है किल या फिर डिस्ट्रॉय, मतलब किसी को मार देना या फिर उन्होंने खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय। ओके क्लीयर है डेसीमेट का मीनिंग। हम डेसीमेट आप याद करना है देसी प्लस मेट, मतलब जेडियां भी मेड ताडे देसी होंगे वो तुहानूं नुकसान पहुँचा सकते होंगे ठीक है। सिर्फ ये सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स ठीक है, मतलब सिर्फ लर्न करवाने वास्ते। देसी मेड्स कैन डिस्ट्रॉय यू ठीक है, देसी मेड्स कैन डिस्ट्रॉय यू। इस चीज़ को दिल से नहीं लेना ठीक है ना, भी मैम असी भी देसी हाँ है ना, नहीं एवं नहीं। देसी मेड्स कैन डिस्ट्रॉय यू, देसी मेड का मीनिंग की होंगे किल या फिर डिस्ट्रॉय। ओके फर्स्ट वर्ड है डेमोलिश। डेमोलिश का मीनिंग की होंगे, मतलब उस चीज़ को खत्म तोड़ देना, किसी बिल्डिंग को डेमोलिश कर देना मतलब तोड़ देना, उस चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। नैक्सट है डिस्ट्रॉय, का सेम मीनिंग है। नैक्सट है शैटर, का मतलब होंगे चकना चूर कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को बिल्कुल तोड़ देना ठीक है। आ तीन इनके की हो गए सेम वर्ड हो गए, लास्ट ही रह गया हम ठीक है। लास्ट है मैनुफैक्चर, मतलब किसी चीज़ को बनाना ठीक है। फिर ये रिलेट नहीं कर रहा तो फिर ये की है एंटोनिम है। ओके स्टूडेंट्स क्लीयर है, डेसीमेट, कहते हैं इन्हों, डेसीमेट नहीं डेसीमेट। चलो नैक्सट ते चलते हैं आपां, नेक्स्ट अपना वर्ड है डेसिफर। नेक्स्ट वर्ड की है डेसिफर। चार ऑप्शंस आन गया थानू ओके। चार ऑप्शन दे विच फर्स्ट ऑप्शन है डेमोलिश, सॉरी सेंस, फर्स्ट है सेंस ओके। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड द लास्ट वन इज मिसरीड। ठीक है। डेसीफर दा मीनिंग की हुंदा है, डेसीफर दा मीनिंग हुंदा है कि डेसीफर दा मीनिंग हुंदा है डिकोड करना, मतलब किसी भी चीज़ नू पढ़ के उन्होंने लिखित दस्तावेज विच समझाना। किसी भी चीज़ नू पढ़ लेना, पहला रीड कर लेना, उस तो बाद उन्होंने समझाना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। डेसीफर उहदा मतलब की हुंदा है डिकोड करना किसी भी चीज़ नू। हुण डेसीफर डेसीमल की तरह साउंड कर रहा है, ठीक है। कई बार डेसीमल नू भी डिकोड किया जाता या फिर बाइनरी लैंग्वेज नू भी कंप्यूटर दे विच डिकोड करके, ठीक है, डिकोड किया जाता है बस, ठीक है, बस उन्हों अंडरस्टैंड कराने लिए, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज दे विच किया जाता, ठीक है। फिर बस इतों ही तुहानूं याद आ जाएगा कि आप डिकोड करके किसी भी चीज़ दी मीनिंग करते हैं, ठीक है। टू क्लीयर द मीनिंग, डिकोड करना मतलब टू क्लीयर द मीनिंग, मतलब उस चीज़ का मीनिंग समझाने वास्ते उस चीज़ को आप डिकोड कर दें, ठीक है। ये तुसी लर्न कर देना, इनू लर्न कर लेना इनू, ठीक है। फर्स्ट है सेंस, सेंस मतलब किसी भी चीज़ की सेंस बनानी, ठीक है, सेंस बनानी, सेम आ रहा ना इनका मीनिंग, ठीक है। नैक्सट है रैकोगनाइज़ करना, किसी भी चीज़ को रैकोगनाइज़ करके उसका मीनिंग क्लीयर करना, रिलेट कर रहा है भी वर्ड, ठीक है। नैक्सट है अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को समझ के उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना, डिकोड करना, ठीक है। मतलब ये तीनों चीज़ा की कर रही ने, इनू रिलेट कर रही ने, ठीक है। एक ही हो गई इनदियाँ सिनोनिम। तो नैक्सट है मिसरीड करना, मतलब किसी भी चीज़ को गलत पढ़ लेना, मिसरीड कर लेना, गलत पढ़ लेना, तो फिर ये की हो गया एंटोनिम। गलत पढ़ लोगे तो तुम डिकोड किवें करोगे, है ना, तो फिर ये की हो गया एंटोनिम। डेसीफर का मीनिंग की होंदा है डिकोड करना। क्लीयर है स्टूडेंट्स। नैक्सट वर्ड पर चलते हैं एंड नैक्सट वर्ड है अपना डेक्लिविटी। नैक्सट वर्ड है डेक्लिविटी। डेक्लिविटी चार ऑप्शन आने थानू, ठीक है। फर्स्ट है डिक्लाइन, फर्स्ट वन इज डिक्लाइन, नेक्स्ट इज डिसेंट, नेक्स्ट वन इज डाउनहिल एंड द लास्ट वन इज एक्लिविटी या फिर रेज। छेती आंसर दो, लगाओ एक मिनट दे उत्ते आंदा पे है कि नहीं। डेक्लिविटी का मीनिंग की होंदा है डाउनवर्ड स्लोप। की मीनिंग होंदा डेक्लिविटी का डाउनवर्ड स्लोप, मतलब किसी भी चीज़ की डाउनवर्ड स्लोप होना, ढाल, नीचे डिग जाना, ठीक है, ठीक है। इफ़ योर बिजनेस, इफ़ यू, ठीक है, इफ़ यू डिक्लाइन योर बिजनेस, देन योर प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस विल बी इन डाउनवर्ड स्लोप। तुसी अपने बिजनेस नू जदों डिक्लाइन कर देंदे हो तां फिर जिहड़ी तुहाडी प्रोग्रेस है, मतलब अगे वधना, वो जिहड़ा डाउनवर्ड स्लोप दे विच आ जांदा है। मतलब तुसी मतलब नी डे बाय डे तुसी लोअर होंदे जांदे हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हूँ डिक्लाइन का पता लग गया। डाउनवर्ड स्लोप फर्स्ट ऑप्शन है डिक्लाइन, डिक्लाइन सेम रिलेट है। नेक्स्ट है डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है नीचे गिर जाना, ठीक है। डिसेंट का मतलब भी डाउनवर्ड स्लोप होता है, डाउन हिल, नीचे, डाउन, नीचे आना। नेक्स्ट है एक्लिविटी, एक्लिविटी मतलब होता है रेज करना, ठीक है, रेज करना किसी भी चीज़ का। फिर ये दे की हो गए एंटोनिम एंड पहले तीन इनके की हो गए सिनोनिम। क्लीयर है स्टूडेंट्स। डेक्लिविटी का मीनिंग की होंदा है डाउनवर्ड स्लोप। की मीनिंग होंदा है डाउनवर्ड स्लोप। चलो नैक्सट वर्ड पे चलते हैं। तो नैक्सट अपना वर्ड है डिफेस। डिफेस, नेक्स्ट वर्ड है डिफेस। ओके, चार ऑप्शन तुहानूं आनिया ने, चार ऑप्शन। फर्स्ट है डेमोलिश, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय, नेक्स्ट है डैमेज, सबोटेज, and the last one is rebuild. Very easy to eliminate the option and very easy to answer it. देखो students, बहुत easy है द आंसर देना बिना मतलब जाने ही तावी। डी फेस का मतलब होता है, डी फेस वर्ड तो ही क्लियर है, ठीक है। डिफेस मतलब डिसफिगर, डिसफिगर मतलब बदशकल, ओके, डिसफिगर बनाना, ठीक है। डिफेस, डिफेस, डी प्लस फेस। ऑन सेंटेंस बना लो, इफ समवन हिट्स ऑन योर फेस दैन यू विल बी डिफेस, मतलब ठीक है कोई भी तुहाडे फेस ते हिट कर जांदा है तां तुसीं डिफेस हो जांदे हो, ठीक है। क्लीयर है, लिखी देनी आ। Then you will deface, okay। हम फर्स्ट ऑप्शन है डेमोलिश, डेमोलिश मतलब खराब कर देना, किसी भी चीज़ को तोड़ देना, खराब कर देना। नैक्सट है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब भी तोड़ देना। नैक्सट है डैमेज करना किसी चीज़ को। नैक्सट है सबोटेज, सबोटेज का मतलब होता है सब स्टेज उखाड़ के फेंक दिए। इदा आप याद करेंगे जो एस अल्फाबेट दे विच एस वर्ड सबोटेज वर्ड नूं करांगे, ठीक है। सब स्टेज उखाड़ के फेंक दिए मतलब डिस्ट्रॉय, इसका मीनिंग भी की होंदा है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। आप पहले चार ये की हो गए, की हो गए दे सिनोनिम, एंड द लास्ट वन रीबिल्ड मतलब किसी चीज़ को दोबारा बनाना, ताकि हो गया एंटोनिम। क्लियर है, डी फेस डिसफिगर, ओके। चलो नेक्स्ट पे आप चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्ट, 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 चार ऑप्शन, ठीक है। चार ऑप्शन की ने, फर्स्ट वन इज फैक्चुअल, नेक्स्ट इज जेन्युइन, नेक्स्ट इज कंफर्म्ड, एंड द लास्ट वन इज विजुअलाइज्ड और इमेजिन या फिर इमेजिन, ओके। डिफेक्ट मीनिंग क्यों होता है, डिफेक्ट द, डिफेक्ट द मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग इन रियल, मतलब एग्जिस्टिंग इन रियल, कोई भी चीज़ जिहड़ी रियल दे विच एग्जिस्ट करती है उन्हों की किया जाता है डिफेक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब ये होना है द फैक्ट, फैक्ट जिहड़े ओ फैक्ट जिहड़े रियल दे विच एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इत्थों ही तुहानूं याद आ जाएगा एग्जिस्टिंग इन रियल। फर्स्ट है फैक्चुअल, फर्स्ट है फैक्चुअल, कोई भी चीज़ फैक्चुअल होना मतलब रियल एग्जिस्ट कर दी। नेक्स्ट है जेन्युइन, जेन्युइन भी सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है कन्फर्म्ड, कोई भी चीज़ कन्फर्म होवे मतलब अगर एग्जिस्ट कर दी है तो कन्फर्म होएगी, है ना। तो नेक्स्ट अपना ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है अपना विजुअलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की है विजुअलाइज्ड, मतलब कोई भी चीज़ विजुअलाइज करना, देखना या फिर इमेजिन करना। विजुअलाइज मतलब सिर्फ विजुअलाइज हो सके उन्होंने फैक्ट दे विच आपां ना लिख पाइए। तो नैक्सट है इमेजिन, मतलब कोई भी चीज़ इमेजिन है फैक्चुअल नहीं है, ठीक है। फिर आ इहदा की हो गया एंटोनिम, जो पहले तीन इहदे की हो गए सिनोनिम। क्लीयर है स्टूडेंट्स, डिफेक्ट जेडे एग्जिस्टिंग इन फैक्ट होंदे है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिफीटिस्ट, नेक्स्ट वर्ड है डिफीटीज, चार ऑप्शन होंगे तुहाडे कोल, ठीक है। चार ऑप्शन होंगे, फर्स्ट है होपलेस, डिस्करेजिंग, पैसिमिस्टिक होपलेस, डिस्करेजिंग, पेसिमिस्टिक या फिर मोटिवेटेड। चार ऑप्शन ने डिफीटिस दे। फर्स्ट है होपलेस, नैक्सट है डिस्करेजिंग, नैक्सट है पेसिमिस्टिक तो नैक्सट है मोटिवेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वर्ड का डिफीटिस का तुम मैनू मीनिंग लिखना कमेंट बॉक्स के जोड़ा भी यदा एंटनम है, ठीक है, वो मैनू दसना है। जे नहीं भी तुम्हें मीनिंग पता तो तुम ऑप्शन भी एलिमीनेट करके मैनू आंसर दस देना, ठीक है, जोड़ा मैं तुम्हें मैथड सिखाया, ठीक है, अज के लैक्चर के। ओके, मिलते हैं नैक्सट सैशन के, उदों तक स्टे मोटिवेटिड, ठीक है। उस तो पॉजिटिव रहा करो स्टूडेंट्स, पॉजिटिवनेस जी होंगी हमेशा सक्सैस वाल लै जाती है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहा करो अपने एम नूं लैके, ते नाले नोट्स प्रॉपर बनाओ, प्रॉपर पढ़ाई करो, प्रॉपर टाइम टेबल दे नाल, ठीक है। जे तुसी प्रॉपर पढ़ोगे अपने आप नाल ही तुसी लॉयल होगे, है ना। बस उस चीज़ वही चीज़ आपां वरतनी है, तो मोटिवेट रह के आपां अपने एम नूं हासिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।